देते हैं, खट्टर साहब सीएम बन जाते हैं। हाँ जी, तो ये ठीक है। अर्जुन जी उड़ीसा पे चलते हैं जी। और उड़ीसा जो है इस बार कुछ मजेदार रिजल्ट आए हैं। बीजू जनता दल को 12 मिला है जो पिछली बार 20 पाई थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, पिछली बार एक थी उसके पास, ठीक है। कांग्रेस इस बार, पिछली बार 0 थी, एक बार इस बार एक पाने में कामयाब रही है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अर्जुन जी, वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं। बीजेपी को लगभग 43% मिला है, बीजेपी 38.4 यानी 38.4% वोट पाने में कामयाब रही है। कांग्रेस 13.8%। तो बीजेपी का जो 38.4 यानी वोट प्रतिशत बढ़ना और सीटों का 1-8 होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उड़ीसा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वहाँ हमको एक डिफरेंट तरीके से विश्लेषण करना चाहिए जी। पहला, नवीन पटनायक जी की छवि अच्छी है जी। दूसरा, नवीन पटनायक किसी एक जाति या वर्ग या धर्म को नहीं बिलोंग करते, उनके बारे में है कि ये सबके लिए काम करते हैं। तीसरा, ये कांग्रेस यूपीए के साथ नहीं थे, ना ही ये मोदी जी के साथ थे, एक तटस्थ छवि थी उनकी जी। अब यही चीज पुनः दूसरे तरीके से विश्लेषण करें। उड़ीसा के लोगों को पता है कि हमको नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर के रूप में चाहिए जी। और ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी या दूसरे नेता उछल कूद कर रहे हैं केंद्र में जाने के लिए, नवीन बाबू ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर हम नवीन पटनायक को ही वोट करते हैं सारा, तो भी केंद्र में से नहीं बनती है। तो बहुत क्लियर डिमार्केशन दिखा कि केंद्र में मोदी और उड़ीसा में नवीन बाबू ठीक हैं। और इसका एक और संकेत मिलता है जो भीतर तक जाता है, पहले से है। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ समस्याओं को टैकल किया है, बीच चुनाव में एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं, तो ये गणित बहुत कुछ कहता है। तो कहीं कहीं वो वोट भी शिफ्ट हुआ होगा, जो 8 सीटें मिली हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी का, उसका फायदा कहीं कहीं बीजेपी को मिला है। ये सिर्फ मिला है आपको लोकसभा के लिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके लिए जी। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा के लिए भी चुनाव हुआ है जी। वहां बीजेपी को सीटें नहीं मिली हैं ज्यादा, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्योंकि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, तो शायद 2024 में उड़ीसा में चुनाव हो जी, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बीजेडी से ज्यादा हो सकता है जी, जी। सीटें भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा जो ट्रेंड है जी, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। वर्तमान में मैं नहीं जानता। और कांग्रेस जो दूसरे नंबर से थी जी, जी। वो तीसरी। और तीन, एक और फैक्टर है जी। हमेशा से ये सोचा गया था कि अगर यूपी में नुकसान हुआ बीजेपी को तो सीट कहाँ से आएगी। जवाब पहले भी वही था, आज भी वही है, जो दिख गया बंगाल और उड़ीसा से आएगी, वही ये परिलक्षित हुआ जी। पवन जी आप बिल्कुल बिल्कुल जो जो भाई साहब ने बात कही वो उसी बात को भी मैं भी कहूंगा कि आला कमान जो बीजेपी का है उस वहां पे चिंता हुई कि अगर अगली बार ये सीटें नहीं आती हैं 73 सीटें जो 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 जितना पिछली बार हम मिला था जनादेश उत्तर प्रदेश से जो मिला था, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। तो भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल पे फोकस किया पार्टी ने, बीजेपी ने बहुत पहले से। उड़ीसा में फोकस था, वहां पे फोकस और ज्यादा बढ़ गया। लोकल बॉडी इलेक्शन जो हुए थे वहां बीजेपी को वहां पे चीजें मिली थी। जहां तक प्रखर प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको उतारा, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, जहां तक पूरी सीट से वो हार गए हैं। परंतु जो बीजेपी के जो जय पांडा हैं वो दो दो नेता हैं वहां के, यंग लीडर्स को फोकस करने के लिए कहा गया, वहां की जो स्थानीय यूनिट है उनको स्ट्रांग करने के लिए कहा गया, क्योंकि भरपाई जो है वो होनी थी ओडिशा से, और उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी का इतना वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ना, आप देखिए सिर्फ 4% से भी कम का अंतर है बीजेडी में, सत्तारूढ़ बीजेडी और एक ऐसी पार्टी जो 1 से सीधा 8 पे पहुंच गई। परंतु वही मैंने कहा कि ये लोकसभा के चुनाव हैं, और जैसा कहा कि बीजेडी जो यहाँ स्थानीय स्तर पे नवीन बाबू को चाहती है, उनकी छवि की खास बात ये है, महिलाओं पे नवीन पटनायक ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया है, उन्होंने जो ये महिला स्वयंसेवी समूह है उन पे काम किया है, उनकी आर्थिक स्थिति पे उनको सुदृढ़ किया है। वो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ओडिशा की जो महिलाएं हैं वो नवीन बाबू बीजेडी का स्ट्रॉन्ग वोटर है, और ये अभी जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में वो भी सामने आया है। हालांकि जो बीजेपी को वोट मिलना है, बीजेपी